मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है तीन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन ये लिखा है और दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। तो अभी इसको हमें कराना है कि अगर जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दिया होगी, पहला ये क्वेश्चन है, इसको कराना है थर्मल कंडीशन में। तो इतना क्वेश्चन में दिया होगा, ये क्वेश्चन ये होगा और ये दिया होगा कि थर्मल कंडीशन में कराना है। तो फिर हमें करा के देखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये थर्मल कंडीशन है, तो थर्मल के लिए सबसे पहले टी। अब बॉन्ड काउंट करेंगे इसमें 1 2, इसमें 2 बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है, 2 बॉन्ड का, 1 2, तो 2 इवन, तो यहाँ पर लिख लेंगे टी ई। तो टी ई के बाद मैंने इसे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, टी ई सी थर्मल इवेंट कॉन्डोटेटरी, यहाँ पर होता है हमारा कॉन्डोटेटरी। तो हमें पता चल गया कि अभी इसमें क्या होने वाला है, थर्मल है, इवेंट है, कॉन्डोटेटरी। तो बॉन्ड का रोटेशन हम करा देते हैं, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरह से होकर इधर आ जाएगा और ये वाला मूव होकर इधर चला जाएगा। तो ये किस तरह से, पहले इसको इधर देख लीजिए, इस तरह से अगर आप इसको बनाएं, इस तरह से उधर का छोड़ दीजिए, ये वाला बाउंड इधर आ रहा है, तो ये वाला बाउंड जो इधर आके ये 4 मेंबर रिंग बनेगी, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। ये वाला बाउंड इधर आएगा तो ये 4 मेंबर रिंग ऐसे बन जाएगी और ये वाला बाउंड इधर चला जाएगा तो यहाँ पर एक बाउंड आ जाएगा। तो वही चीज़ है, ये थोड़ा सा ऐसे फैला हुआ है, हम इसको ऐसे बनाते हैं, पहले वैसे ही बना लेते हैं। कैसे है ना, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 बॉन्ड है, तो 4 मेंबर रिंग हम पहले इसको 4 मेंबर की तरह बना लें, इस तरह से हो जाएगी हमारी 4 मेंबर रिंग। अब ये 4 मेंबर रिंग और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ रहा है, इसमें यहाँ पर दिखा सकते हैं और इसमें यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये दोनों चीज़ सेम है, बस इसमें इस तरह से बनाया गया और इसमें पूरा जैसे होता है हमारा ब्यूटीन होता है। अब दिखाइए इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ये सी एच थ्री और सी एच थ्री की स्टीरियो केमिस्ट्री। क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उसमें कहीं कोई सी एच थ्री ऊपर होगा, कोई नीचे होगा, कोई दोनों ऊपर होगा, कोई दोनों नीचे होगा। तो अभी हमें इसको बनाकर देख लेना है कौन सा आएगा, तो हम उसमें जो ऑप्शन होगा उस पर हम टिक करेंगे। तो इसमें क्या है, ये ग्रुप के बाहर साइड है, ये भी ग्रुप के बाहर साइड है, तो दोनों अगर बाहर हों, कौन रोटेटरी कराना हो, तो देखते हैं कैसे होगा। हाँ, आ गया हमारा ये, देखिए इस वाले कैप को आप मानिए सी एच थ्री, ये बाहर है, और इस वाले को भी मानिए सी एच थ्री, ये दोनों बाहर की तरफ। अब इसे कराना है कॉन्रोटेटरी, यानी कि दोनों क्लॉकवाइज या तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज। ये है हमारे, ये बाहर वाला सी एच थ्री है कैप वाला और इधर वाला भी, कॉन्रोटेटरी कराना है या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। चलिए पहले इसे क्लॉकवाइज ले जाते हैं और इसे भी क्लॉकवाइज, तो ये वाला ऊपर आ गया और ये वाला नीचे चला गया, ठीक है। या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करें, ये वाला चला गया नीचे, अब इसको करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से ये वाला ऊपर, एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ऊपर के लिए अब इसमें हम उपयोग इसमें इस्तेमाल करेंगे वेज बॉन्ड का। तो ऊपर के लिए हम दिखाएंगे इस तरह का बॉन्ड और जो नीचे जा रहा है उसके लिए दिखाएंगे हम डॉटेड वाला C3। ये हो गया हमारा थर्मल कंडीशन में। अगर हमें यही क्वेश्चन हमें अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में दिया हो, ये क्वेश्चन दिया हो और कंडीशन ऑफ फोटो केमिकल, तब क्या होगा। फोटो केमिकल के लिए सबसे पहले आएगा पी, इवन बॉन्ड के लिए आएगा ई, तो पी ई, यहाँ पर टी ई सी था तो यहाँ पर पी ई डी होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसके बारे में पहले काफ़ी डिटेल्स में बात हो चुकी है। अब इसमें जब होगा तो 4 मेंबर रिंग वैसे ही, ये बॉन्ड ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करके 4 मेंबर रिंग बनेगी। अब बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो इसमें जो होगा उसका अपोजिट इसमें हो जाएगा, कैसे होगा वो भी मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, पहले बनाऊँ। तो इसमें दोनों बाहर की साइड था ना, ये रहा ये वाला अपना CH3 और ये वाला CH3, इसको रखेंगे दोनों बाहर की साइड। कराना है डिसरोटेटरी, एक जाएगा क्लॉकवाइज, दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों ऊपर की साइड आ जाएंगे। या फिर अगर हम दोनों बाहर साइड है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से, तो दोनों नीचे की साइड चले जाएंगे। तो मैंने दोनों ऊपर लिख दिया है, ये वाला
तो अभी हम इसके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। अगर हमें इसको कराना हो थर्मल कंडीशन में, तो थर्मल के लिए सबसे पहले टी काउंट करेंगे बॉन्ड 1 2 3 ऑड, तो ऑड के लिए होता है हमारा टी ओ टी ई के साथ टी ई सी होता है टी ओ डी होता है, ये तीन चार होते हैं वो देख लीजिए पहले ये टी ई सी टी ओ डी टी ओ सी टी ई डी यही चार होते हैं हमारे। इसी से हमें कंडीशन पता चलता है, उसमें बॉन्ड को पता चलता है, और उसमें कौन सा रोटेशन कराना है वो पता चलता है। काफ़ी डिटेल्स में इसके बारे में बात हो चुकी है पहले ही। तो बॉन्ड का अगर हम रोटेशन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ये वाली रिंग में ऐसे आएगा, ये वाला बॉन्ड मूव होकर इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड मूव होकर इधर आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, पहले वो बना लें। ये बन गई हमारी 6 मेंबर रिंग। अब ये वाला बॉन्ड मूव होके इधर आ रहा है तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला मूव होके इधर जाएगा तो ये यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ वाला मूव होके यहाँ पर आया है तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बात करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की, ये आर की और ये आर की, इस आर की। तो एक आर देखिए हमारा ये ग्रुप है, ये ग्रुप हमारा अभी से ये बाहर की साइड जा रहा है, और ये वाला ग्रुप जो है अगर ये आर नीचे की साइड से बाहर जा रहा हो, ये नीचे साइड होगा तो ये ग्रुप के बाहर जाता, लेकिन ये बाहर जा रहा है और ये ग्रुप के अंदर है। एक ये वाला आर जो है वो बाहर इससे बाहर जा रहा है, लेकिन अगर ये वाला इधर की साइड जाएगा तो ये इसके अंदर जाएगा, नीचे है इसलिए अगर बाहर जाना होगा तो इसे नीचे की साइड आना होगा तब ये बाहर होगा, लेकिन ये ऊपर की साइड है तो ये अंदर है, ये वाला बाहर है। तो एक अंदर एक बाहर के लिए तो सबसे पहले क्या पता चला कि हमें ये वाला सीएसथ्री जो पार्ट है इसको हम रखेंगे बाहर, और एक सीएसथ्री जो है अंदर, इसको मान लीजिए इसके पॉली को सीएसथ्री वो अंदर। हमें रोटेशन कौन सा कराना है, डिसरोटेटरी, या डिसरोटेटरी का मतलब है एक क्लॉकवाइज जाएगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा ठीक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज, तो एक ऊपर आ रहा है एक नीचे जा रहा है, ठीक है। चलो फिर इसको कर लें एंटी क्लॉकवाइज, इसको कर लें क्लॉकवाइज, तो ये वाला ऊपर ये वाला नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो इस वाली पोजीशन पे ऊपर दिखा दी और नीचे वाले के लिए हम डॉटर का इस्तेमाल कर देंगे। ये हो गया। अब यही क्वेश्चन को हमें अगर फोटो केमिकल कंडीशन में कराना हो तो फोटो केमिकल के लिए सबसे पहले पी ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड, तो फिर रोटेशन कौन सा हो जाएगा, कौन रोटेटरी रोटेशन होगा, बॉन्ड इसी तरह से रोटेट करेंगे, 6 मेंबर रिंग बनेगी, बॉन्ड भी इसी तरह बॉन्ड होगा। अब इसमें कौन रोटेटरी रोशन में कौन रोटेटरी मोशन में कौन रोटेटरी जो हमारा रोटेशन होगा जो, उसमें दोनों आर ऊपर की साइड या दोनों आर नीचे की साइड होंगे, यार हमारा इसको भी हम देख लेते हैं, एक अंदर एक बाहर है ना। चलिए ये वाला जो है वो बाहर की साइड और ये वाला जो है वो अंदर की साइड, तो हमें रोटेशन इसमें कराना है कौन रोटेटरी, दोनों क्लॉकवाइज, तो दोनों का सेम डायरेक्शन में हम लोग मूव कराएंगे, एंटी क्लॉकवाइज पहले कराते हैं, ये दोनों इधर ये वाला इधर, तो ये वाला भी नीचे और ये वाला भी नीचे, या फिर कराएं इसको क्लॉकवाइज, ये इस तरह से ये वाला इस तरह से, दोनों ये वाला ऊपर है और ये वाला भी ऊपर है, दोनों ऊपर, तो वही मैंने बनाया है दोनों ऊपर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन ये वाला। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा बॉन्ड रोटेट किस तरह से होगा, ये इधर ये वाला इधर ये वाला इधर ये वाला इधर। अब इसमें अगर थर्मल कंडीशन दी हो तो थर्मल के लिए सबसे पहले टी 1 2 3 4 इवन इवन के साथ कॉन्ट्रेटरी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8, तो 8 मेंबर रिंग बनेगी। ये हो गई हमारी 8 मेंबर रिंग। अब डबल बॉन्ड देखिए ये वाला इधर आ जाएगा, अब इसी कॉन्जुगेशन से आप लगा सकते हैं, इसको छोड़कर इस पर
अब इस वाला जो होता है, ये वाला जो होता है, वो यहाँ पर सिग्मा बांड बना, ठीक है। अब दोनों आर बाहर की साइड हैं, तो अब हमारी स्टोरी केमिस्ट्री क्या होगी उसको भी हम देखते हैं। चलिए इसी को फिर लेते हैं अपना, ये वाला बाहर की साइड, ये वाला बाहर की साइड, दोनों बाहर की साइड रखते हैं। अब इसमें रोटेशन कौन सा कराना है, कॉन्ट्रोटेटरी, कॉन्ट्रोटेटरी, दोनों सेम साइड, ये भी इस साइड, ये भी इस साइड, यानी कि दोनों क्लॉक वाइज, ठीक है ना, ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया। तो अभी हम इसको एंटी क्लॉक वाइज ले जाएं, ये इस साइड, ये इस साइड, ये ऊपर, ये नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये हो गया। अगर अब हमें इसी को कराना हो फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो हो जाएगा पी ई डी, तो फोटोकेमिकल में कराओगे दोनों ऊपर आ जाएगा। आप करके इसको देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा भी हो गया शॉर्ट ट्रिक से, ये नेटवर्ड में काम कर सकता है हमारा। लेकिन अगर एमएससी में हो और क्वेश्चन इस तरह से आए, तो इस तरह से करोगे ना शॉर्ट में, तो नंबर होता है एक चीज़, नंबर होता है वो भी आपको शॉर्ट मिलेगा। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा पूरा पूरा काम। तो शाई वन शाई टू, आप पाई बांड में जैसे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, तो शाई वन हमारा वे फंक्शन जो होता है उसमें एक एक, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन जो होता था उसमें दो इलेक्ट्रॉन रहता था, तो दूसरे शाई टू वाले में दो इलेक्ट्रॉन, तो इसी को आप शाई वन मान लें, ये शाई वन ये शाई टू। और थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन में हमारा शाई टू हो जाएगा होमो। इसको ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में, बस इसको मैं बताऊंगा फिर इसके बाद मैं इसी से करूंगा। तो अब लास्ट चल रहा है शाई टू होमो का, शाई टू होमो हो जाएगा जब ये इवेन वाला जो होता है हमारा, अगर वो इवेन अवे फंक्शन जो होता है, अगर हमारा इवेन होता तो होती हमारी उसमें सी टू सिमेट्री, और जब होती हमारी सी टू सिमेट्री तो उसमें हम रोटेशन कराते हैं कौन, कौन रोटेटिंग। तो अगर हमें अब ये इसी को फोटोकेमिकल कंडीशन दी हो, तो ये शाई टू से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके शाई थ्री में जाता है, तो शाई थ्री होमो हो जाता है फोटोकेमिकल कंडीशन में, ये हो जाएगा शाई थ्री। तो शाई थ्री जब ऑड नंबर ऑफ वे फंक्शन होता है हमारा, तो उसमें मिरर बैलेंस सिमेट्री, तो मोशन हो जाएगा डिसरोटेटरी। अब इसके बाद करें वन टू थ्री, साई वन साई टू साई थ्री, साई थ्री होमो, जब ये ऑड वाला वे फंक्शन हमारा ऑड, तो होती हमारी मिरर बैलेंस सिमेट्री। जब मिरर बैलेंस सिमेट्री होती है तो मोशन कौन सा होता है, डिसरोटेटरी, ये डिसरोटेटरी है, ये कौन रोटेटरी है, कौन लिखा है, डिस लिखा है। अब फोटो सैंपल में कराओगे साई थ्री है तो साई फोर होमो, जब फोर होमो तो सी टू, सी टू सिमेट्री, जब सी टू सिमेट्री तो कौन रोटेटरी, वन टू थ्री फोर साई फोर होमो, ये ऊपर वाला हो जाएगा ना सी टू सिमेट्री, कौन रोटेटरी, इसमें जाएगा शाई फाइव होमो, और मिरर प्लेन सिमेट्री हो जाएगी, तो जो मिरर प्लेन सिमेट्री होगी तो डिस रोटेटरी। ये इतने क्वेश्चन का इतना आंसर हो गया। लेकिन अगर अब हमें इस, अगर हम अब इसको क्वेश्चन मानें, इस पीछे वाले को अब छोड़ दें, अब इसको देखें, अभी देखिए रिंग ओपनिंग से रिंग क्लोजिंग हो रहा था, अभी तक कितना था रिंग ओपनिंग से रिंग क्लोजिंग, अगर अब हम इस रिंग क्लोजिंग को रिंग ओपनिंग में करें तो वो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको कर दें, जो कंडीशन यहाँ पर है उसी कंडीशन को हम करेंगे, क्योंकि हमारी जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्सिबल आप यहाँ से भी ऐसे समझ सकते हैं, इसको वापस लाकर ऐसे तो मैं आगे दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो रहो। तो थर्मल कंडीशन में अगर हम करें, तो थर्मल कंडीशन में टी, हाँ रिंग ओपनिंग में जब आती है बात, तब इवन के बाद यहाँ पर फंसती है, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑड, लेकिन ये बना किससे हम उसको देखेंगे, एक दो बना है इवन से, या फिर देखेंगे कितने बॉन्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, कि
बॉन्ड मूव करके कितना रिंग ओपन होगी जो हमारी क्लोजिंग वाली, उसमें कितना बॉन्ड का उपयोग हो रहा है, कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इस साइड मूव करेगा और ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव करेगा। इसमें देखिए ये वाला बॉन्ड इस साइड मूव करेगा, ये बॉन्ड इस साइड मूव करेगा। तो ये वाला इधर ये डबल वन, ये वाला इधर सिंगल, ये वाला डबल, ये वाला बनेगा डबल सिंगल डबल। तो दो बॉन्ड का इन्वॉल्व हो रहा है, पाई सिग्मा नहीं देखना है, दो बॉन्ड देखना है, एक दो तो हो जाएंगे हमारे इवन, या फिर ऑड है तो इवन ले लें, इवन है तो ऑड ले लें। ये रिंग क्लोजिंग से ओपनिंग कराते हुए जो जाएगा इवन, जब थर्मल इवन हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा रोटेशन कॉन्रोटेटरी। तो कॉन्रोटेटरी होगा तो कॉन्रोटेटरी होगा तो हमें रोटेशन कराना है, हमें यही मिलेगी। यहाँ से हो जाएगा हमारा सी एस थ्री, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी एस थ्री। इसको आप देख लीजिए इस तरह से अगर मन में आ रहा है तो देखिए, ये वाला जो है ये वाला ऊपर वाला सी एस थ्री और ये नीचे वाला सी एस थ्री, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरह से हमें कौन सा रोटेशन कराना है, कॉन्रोटेटरी ना, कॉन्रोटेटरी ना। तो पहले हम ले जाएँ इसको क्लॉक वाइज, इसको भी क्लॉक वाइज, ये दोनों अंदर की साइड आ रहे हैं। अभी हम इसे एंटी क्लॉक वाइज ले जाते हैं, ये वाला एंटी क्लॉक वाइज, ये वाला भी एंटी क्लॉक वाइज। तो ये बाहर, ये बाहर, तो बाहर बाहर वाला लिखा गया है। तो देखिए ये बाहर, ये बाहर, इसी तरह से आप देख सकते हैं सब क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब मैं सबको आगे करूँगा तो वही सेम होगा, आप इसी को यहाँ से पीछे कर लीजिए। यहाँ से अगर आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ से देखें तो देखिए इसमें क्या होगा, वही चीज़ होगी। ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, जैसे इस तरह ऊपर है, जैसे इस तरह भी ऊपर है। जब दोनों ऊपर है डिसरोटेटरी कराओगे तो ये आएगा। इसको भी मैं करा के दिखाता हूँ एक दो और, फिर उसके बाद ये सब हो जाएंगे। दोनों ऊपर है, डिसरोटेटरी कराना है, इसको ले गए एंटी, ये गया क्लॉक, ये वाला गया एंटी क्लॉक वाइज, दोनों अंदर आ रहे हैं। या फिर इसको क्लॉक ले जाएं, इसको एंटी ले जाएं, तो दोनों बाहर आ रहा है। तो दोनों बाहर, ये बाहर, ये बाहर, तो ये हो जाएगा हमारा इधर रिवर्सिबल में। अब इसमें देखो ये बॉन्ड इधर क्लोज हो रहा था, इधर ये इधर जो क्लोज हो रहा है उसी को ओपन करो, ये वाला इधर और ये वाला बॉन्ड इधर और ये वाला बॉन्ड इधर। तो इससे जब आप रिवर्स आओगे, ये रिंग ओपनिंग से रिंग क्लोजिंग था, रिंग क्लोजिंग से रिंग ओपनिंग में आना है, तो यही हो जाएगा हमारा। अब मैंने बता दिया है कि इसको कैसे रोटेट करा के कैसे देखना है, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसे जब करेंगे तो ऐसे ही आए, ठीक है। अब जब इसको देखोगे आप, इस बॉन्ड को इधर रोटेट करोगे और इस बॉन्ड को इधर रोटेट करोगे और इसको इधर इधर, अगर रिवर्सिबल होगी हमारी रिएक्शन फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो एक दो तीन ऑड नंबर ऑफ फोटोकेमिकल ऑड हो जाएगा। तो फोटोकेमिकल के साथ ऑड जो होता है उसमें हमारा कॉन्रोटेटरी होता है, ठीक है। और इसमें एक दो तीन थर्मल के साथ ऑड के साथ डिसरोटेटरी होता है, ये हो गया हमारा। और ये जो बढ़ रही स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री बता चुका हूँ मैं कैसे देखना, फिर से इसको देख लीजिए आप। कॉन्रोटेटरी, कॉन्रोटेटरी कराना है, दोनों ऊपर है, ये दोनों ऊपर, ये दोनों वाला, ये दोनों ऊपर है, कॉन्रोटेटरी कराना है, तो दोनों अंदर नहीं, कौन कराना है ना, दोनों ऊपर है, इसको भी इधर, इसको भी इधर। ये वाला बाहर गया, ये वाला जो है ग्रुप के अंदर आया, वही दिखा इसमें, ये वाला गया बाहर और ये वाला ग्रुप के अंदर। अब इसमें अगर हमें इसको रिंग क्लोजिंग करा, रिंग अब ओपन करानी हो, तो ये वाला बाण इधर मूव करेगा, ये बाण इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये वाला इधर मूव करेगा। और थर्मल कंडीशन में तो ये इवन कैसे होगा, एक दो तीन, तीन बॉन्ड का पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, कितने बॉन्ड का इन्वॉल्व हो रहा है वो हमें देखना है, बॉन्ड कितना इन्वॉल्व हो रहा है इवन की ऑड वो देखना है। तो हमें यहाँ पर चार बॉन्ड है तो इवन हो जाएगा। अब रोटेशन इसमें कौन रोटेटरी कराओगे तो ऐसा आएगा। अब बात करें इसकी, ये बॉन्ड को इधर मूव कराएं और इस बॉन्ड को इधर और इस बॉन्ड को इधर और इस बॉन्ड को इधर, तो ये वाला बॉन्ड जब इधर आएगा तो यहाँ से रिंग ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर ये डबल। अब इसको कराओगे फोटो केमिकल कंडीशन में, तो एक दो तीन चार बॉन्ड का इन्वॉल्व हो रहा है तो इवन। अब इसको रोटेशन कराना है डिसरोटेटरी, तो डिसरोटेटरी में क्या होगा, दोनों ऊपर की साइड हैं, ये देखिए दोनों ऊपर की साइड, ये दोनों स्ट्रक्चर को ऊपर की साइड लें, डिसरोटेटरी कराएंगे तो दोनों अंदर, या फिर दोनों इसे कराएंगे दोनों बाहर। तो यहाँ पर ये बाहर, ये वाला भी बाहर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो अब देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन को। तो
एक क्वेश्चन से तीन क्वेश्चन फिर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये रहा चौथा, ये है पाँचवा और ये छठवा क्वेश्चन देख लिया। तो आप देखते हैं ये जो हमारी साइकिल है और इसमें ये जो एंड पॉइंट का ग्रुप है, इसमें एम ई जो वो अंदर की साइड है और ये वाला एम ई जो वो बाहर की साइड है। तो इसमें यहाँ पर कंडीशन क्या है वो पूछ रहा है, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। अगर हमारे पास ये प्रोडक्ट है, इस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट है, तो फिर हमारी यहाँ पर कंडीशन कौन सी होगी, उस कंडीशन को हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, दो कंडीशन है हमारे पास, थर्मल एंड फोटोकेमिकल। तो दोनों को हम अप्लाई करके देखेंगे कौन सा उस पर जाकर बैठ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम थर्मल लें, चलिए थर्मल लेते हैं। तो थर्मल के लिए यहाँ पर दोनों कंडीशन आपको अप्लाई करके देना होगा, जिससे वो आंसर मैच करेगा वही कंडीशन आपकी यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम थर्मल लेते हैं। तो थर्मल इवन देखेंगे, एक दो तीन चार इवन है, तो कौन रोटेटरी करेंगे हम, कौन रोटेटरी मोशन, एक अंदर है एक बाहर, चलिए करते हैं, ये वाला अंदर ये वाला बाहर कराना है कंट्रोडरी। तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, दोनों ऊपर आ गए तो यही कंडीशन होगी हमारी यहाँ पर, थर्मल वाली कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी हमारी, यही थर्मल वाली कंडीशन इसमें हमारी होगी। तो अगर इस रिएक्टेंट से अब हमें ये वाला प्रोडक्ट दिया हो, जैसे कि इसमें दोनों एम ई ऊपर था, इसमें एक एम ई ऊपर और एक नीचे हो, तो हमारी कौन सी कंडीशन होगी वो अगर देखना हो, तो उसके लिए अगर हम फोटोकेमिकल कंडीशन को लें, तो फोटोकेमिकल के लिए पी, इवन के लिए ई और यहाँ पर पी ई डी डिस रोटेटरी। तो एक अंदर है एक बाहर है, इसके लिए अगर हमें डिस रोटेटरी कराना हो, ये वाला सीएसरी हमारा बाहर, ये वाला सीएसरी अंदर, डिस रोटेटरी कराना हो तो डिस रोटेटरी कराना हो तो इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉक वाइज, इसको घुमाते हैं क्लॉक वाइज, इस तरह से ये ऊपर ये नीचे। तो इसमें देखिए ये वाला ऊपर है ये वाला नीचे है, तो इसमें ये वाली फोटोकेमिकल वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन होगी। तो इसमें क्वेश्चन ये है, प्रोडक्ट हमारा ये हमारा रिएक्टेंट, यह है प्रोडक्ट, यह रिएक्टेंट, यह प्रोडक्ट, तो दोनों में कौन कौन सी कंडीशन होगी। अगर इसमें अगर हम ले फोटोकेमिकल, ये नहीं अगर हम लें, तो अब इस पर अप्लाई करके देखना है, तो क्या इस पर अप्लाई हो रही है। तो फोटोकेमिकल के लिए पी एक दो तीन ऑड, तो पी ओ में होता है पी ओ सी। तो यहाँ पर हमारा ये ग्रुप बाहर की तरफ है और ये ग्रुप बाहर की तरफ है, इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे यहीं पर। ठीक है, ये दोनों अलग है यहाँ से, ये ओ एच है, ये सी एच थ्री है, ये इससे लगा हुआ है और ये इससे लगा हुआ है। अब हम इस पॉइंट के एक ग्रुप को, इसको ले लें ये बाहर की तरफ और इस वाले को ले लें ये बाहर की तरफ, इन दोनों अंदर वाले को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर ये ऊपर होगा तो ये नीचे हो जाएगा, ये वाला ऊपर होगा तो ये वाला नीचे हो जाएगा। इन दोनों की चीज़ों की अगर हम देख लें तो ये दोनों आपस में अपने आप हो जाएंगे। तो इसमें क्या देखना है कि अगर हम दोनों बाहर बाहर वाले को लें और हम कराएं कॉन्ट्रोट्री, दोनों अगर बाहर है कॉन्ट्रोट्री कराएं, ये इसे ये ऐसे, तो ये ऊपर और ये नीचे जा रहा है। तो ये वाला हम क्या ले रहे थे, यहाँ पे सी डी थ्री लिए थे और पी है ना, तो सी डी थ्री एक ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो ये फोटोकेमिकल कंडीशन नहीं होगी, ये वाली कंडीशन जो वो फोटोकेमिकल कंडीशन में नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों ऊपर की साइड आ रहा है। तो अगर हम अब ले थर्मल कंडीशन में, थर्मल कंडीशन अगर हम ले इसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी और सी तो रहेगी। अब हम कराना है अब थर्मल कंडीशन में टी ओ डी होता है ना, टी ओ डी थर्मल कंडीशन ऑड में डिसरोटेटरी होता है, थर्मल कंडीशन इवन में कॉन्ट्रोटेटरी होता है। तो डिसरोटेटरी कराना है अब दोनों बाहर की साइड, ये दोनों हैं, दोनों को बाहर कर लेंगे। अब डिसरोटेटरी कराना है तो इसको घुमाते हैं एंटी क्लॉक, इसको घुमाते हैं क्लॉक, तो दोनों ऊपर की साइड आ गए हैं, सी डी थ्री और पी ए दोनों ऊपर साइड आ गए, तो यहाँ से हमारी फोटो केमिकल कंडीशन हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें यशनी वाली आ जाएगी, यशनी वाली में क्या आया था, सी डी थ्री ऊपर आई थी और पी एच वाली नीचे आई थी ना, तो इसमें ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर करना चाहें फिर से कर सकते हैं, तो पी ओ सी है दोनों बाहर की साइड, दोनों बाहर की साइड कॉन्ट्रोडक्टरी, इसको इस साइड, देखिए ये ऊपर गया और ये वाला नीचे गया, तो ये वाला सी डी थ्री ऊपर गया और ये पी एच नीचे गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये अलग है थोड़ा, इसमें ये क्वेश्चन दिया है, ये एक सिक्स मेंबर रिंग है, ये सिक्स मेंबर रिंग, इससे लगा हुआ यच जो वो अंदर की तरफ है, इससे लगा हुआ यच अंदर की तरफ है और यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो इसको हमें कैसे करना है वो देखना है। तो ये वाला बॉन्ड हम इस तरफ मूव करा दें, ये वाला बॉन्ड इस तरफ और ये वाला बॉन्ड इस तरफ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ वाला जो बाड मूव करके यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये बाड, और ये वाला बाड जब इधर मूव करके जाएगा तो ये वाला बाड इधर बन जाएगा ये वाला, और ये वाला बाड जब इधर मूव करेगा तो इधर ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। अभी हमारी बात करें यच की, दोनों यच अंदर की साइड है। अब थर्मल कंडीशन में अगर हमारा टी एक दो तीन ओ तीनों डी दोनों यच अंदर की साइड है, दोनों इन दोनों को यच ले लीजिए ना। अब इसमें यच है तो इन दोनों को यच कंसिडर करें आप, तो दोनों यच अंदर की साइड है। हमें रोटेशन कौन सा कराना है, डिस रोटेटरी। एक को ले जाएं हम क्लॉक, यहाँ ये गया क्लॉक, दूसरा गया एंटी क्लॉक, दोनों ऊपर की साइड। तो यहाँ से दोनों आ जाएंगे यच ऊपर की साइड, ये दोनों यच ऊपर की साइड आ जाएंगे। और अगर हमें इसे इसी को फोटो केमिकल कंडीशन में कराना हो तो यह एक एच ऊपर हो जाएगा, एक एच नीचे हो जाएगा। इसको आप लोग कर लेना, यहाँ पर लिखा है एच ए डब्ल्यू, आप लोग कर लेना इसको। बस यहाँ पर क्या करना है, एक एच ऐसे ऊपर रहेगा और इस वाले इसको यहाँ पर डॉट लगा कर यहाँ से एच हो जाएगा। मगर इसमें क्या होगा, फोटो केमिकल ओ सी यहाँ पर ही होगा कंडीशन। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि इसी टाइप के हैं, तो मैं उसको नहीं कराऊंगा। अब आप लोग खुद क्वेश्चन को करिएगा। अब जिस तरह से हिंट होती है मैंने दे दिया है। अब इससे अलग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।